वार्षिक उत्सव कार्यक्रम चल रहा है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया और इस वक्त कार्यक्रम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधित कर रहे हैं। उसका दृश्य कितना सुंदर हुआ, प्रभाव कितना पड़ा, लड़कियां बड़ी संख्या में साइकिल के चलते स्कूल जाने लगी। और उसके बाद मेरा अपना स्मरण है कि उसके साल दो साल के अंदर हम कहीं भी जाते थे तो लड़कियों को साइकिल चलाकर स्कूल जाते हुए देखने के बाद थोड़ा लड़कों के मन में बात आने लगी। तो हम कहीं जाते थे तो लड़के कहते थे अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दो। तो हमने दो तीन साल के बाद लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। वह गलत विषय, लेकिन लड़कियों की कितनी संख्या बढ़ी, 1,70,000 से भी कम थी संख्या 2008 में, और वो संख्या बढ़कर अब लगभग हो गई है 9,00,000 क्लास 9 में पढ़ रही हैं। और फिर जब हमने देखा कि बिहार में फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है, अब लोग चाहे इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो कुछ भी काम हो वो करते हैं, लेकिन हमने एक मिशन मोड में काम करना शुरू किया और उसमें हमने एक विषय रखा, ये फर्टिलिटी रेट। आप जानते हैं पूरे देश की फर्टिलिटी रेट से भी हमारा ज्यादा, जब काम जिस समय देख रहे थे उसमें 4.2 अब तो घट करके 3 point something हो गया है, वो एक अलग विषय है। 10 साल के बाद जब जनगणना होती है तो बिहार की आबादी में 25% की वृद्धि होती है, तो इन सब चीजों को देखते हुए इसका क्या उपाय है? तो हमने जो देखा, जो फैक्ट्स थे, आंकड़े थे, मेरे सामने एक प्रेजेंटेशन हो रहा था कि मिशन मोड में कौन कौन काम हम कराएंगे, उसमें एक यह भी था। तो हमने देखा कि उस समय उस साल का जो आंकड़ा उपलब्ध था उसके हिसाब से ये बताया गया कि अगर लड़की मैट्रिक पास है देश कपुल में, अगर लड़की मैट्रिक पास है तो वैसी स्थिति में देश का भी फर्टिलिटी रेट 2 है और बिहार के अंदर भी वैसी स्थिति में फर्टिलिटी रेट 2 है। और फिर आगे आया कि अगर लड़की +2 पास है तो उस साल जो हमारे सामने प्रेजेंटेशन हुआ उसमें पूरे देश का औसत था 1.7 फर्टिलिटी रेट और बिहार का था 1.6। तो हमने कहा इससे बड़ा तो कोई रास्ता ही नहीं निकल सकता है, अगर हमारी सब लड़कियां कम से कम मैट्रिक पास कर जाए या +2 पास कर जाए, इंटर पास कर जाए तो सोचने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक फर्टिलिटी रेट नीचे चला जाए। तो इसलिए उसी समय हमने तय कर दिया कि बिहार के सभी ग्राम पंचायत में हायर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की जाए। अभी भी करीब करीब 2000 कुछ पंचायत बचे हैं, लेकिन हम सब लोग इस काम में लगे हुए हैं कि एक एक ग्राम पंचायत में अगर +2 स्तर तक का हायर सेकेंडरी स्कूल बन जाएगा तो हमारी सब लड़कियां +2 कर लेंगी। तो ये काम तो प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल यानी मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल तक के लिए हमने लगातार काम किया और उसका परिणाम लड़कियों पर सबसे बेहतरीन आया। लड़कों पर भी अच्छा असर, लेकिन लड़कियों पर विशेष असर। और लड़कियों की शिक्षा, सबकी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन लड़कियों की शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, इसलिए हम